इस कोरोना काल ने ना जाने क्या क्या दिखाया है, क्या क्या सिखाया है। भारत में हर साल लाखों शादियां होती हैं, लेकिन पिछले एक साल से शादी करने के तौर तरीके पूरी तरह से बदल गए हैं। किसी भी शादी में सबसे ज्यादा आकर्षण होता है दुल्हा दुल्हन का लिबास। शादी में आप सुंदर और महंगे लिबास में दुल्हा दुल्हन कई बार देख चुके होंगे, लेकिन रतलाम में एक शादी में दुल्हा दुल्हन ने पीपी किट पहनकर शादी की। ये वीडियो देखें। दोनों की तरफ से ऐसा समाज में कोई संदेश देने के लिए या शादी को सुर्खियों में लाने के लिए नहीं किया गया, बल्कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ दूल्हा ही कोरोना पॉजिटिव था और कंटेनमेंट तोड़कर शादी करने पहुंचा था। दरअसल प्रशासन को सूचना मिली थी एक दूल्हा कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी शादी कर रहा है। इस पर नायाब तहसीलदार दूल्हे आकाश वर्मा के घर पहुंचे, जहां पूछताछ पर परिजनों ने बताया कि दूल्हे की 19 अप्रैल को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद वो घर में आइसोलेट हो गया था। वहीं इसी बीच उसके शादी की डेट भी आ गई। इसको लेकर परिजनों ने तहसीलदार से शादी के लिए जब अनुमति मांगी तो उस तहसीलदार ने मना कर दिया। इसके बाद परिजनों ने प्रशासन से गुहार लगाई कि जिस परिस्थिति में शादी हो सके संपन्न करा दीजिए, क्योंकि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सिर्फ 7 फेरे लेने ही बाकी रह गए हैं। ऐसे में नायाब तहसीलदार ने उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लेकर इस शादी को 8 लोगों की उपस्थिति में अपनी निगरानी में संपन्न कराया। दूल्हे के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से दुल्हन संजना को पीपी किट पहनवाकर 7 फेरे दिलवाए गए। इस दौरान दूल्हा दुल्हन के अलावा पंडित और परिजन भी पीपी किट में दिखे। इधर शादी के बाद नायाब तहसीलदार ने दूल्हा दुल्हन दोनों को घर भेजकर क्वारंटीन करवा दिया, साथ ही परिजनों को भी आइसोलेशन में रहने को कहा गया है। खैर, ये तो थी कि पूरी तौर तरीके और पूरी सुरक्षा के साथ शादी कराई गई, लेकिन आप सभी लोगों से बार बार न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया यही अपील कर रहा है कि जितना हो सके सोशल गैदरिंग को अवॉइड ही करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें और मास्क ज़रूर लगाएं, हाथों को सैनिटाइज ज़रूर करें, क्योंकि इस लड़ाई में हमें देश के साथ रहना है और जीतना है।